क्या बतलाऊं इस धरती पर कैसा लगता है, क्या बतलाऊं इस धरती पर कैसा लगता है, इस मिट्टी का जर्रा जर्रा अपना लगता है। मंदिर मस्जिद गिरजा द्वारे चाहे जैसे हो, लोग जहां अच्छे होते हैं अच्छा लगता है, लोग जहां अच्छे होते हैं अच्छा लगता है। अब मैं चाहता हूं कि यदि आप सभी लोग उन्हें सुनना चाहते हैं जो अब तक सबको सुनवा रहे थे, सबको पढ़वा रहे थे, हम ये भी देख लेना चाहते हैं कि वे कितने पढ़े लिखे हैं। हम चाहते हैं कि आज दीपक भाई अपने पूरे मन से कायपाठ करें जो भी उनके मन में हो। वैसे वे हास्य के बहुत अच्छे कवि हैं, लेकिन एक हास्य लिखने के साथ साथ उनके गीत लिखने की भी कला उनके पास है। मैं चाहूँगा कि वे कुछ आज अच्छा सा एक गीत सुना दें, उसके बाद हास्य तो सुनाएं ही, क्योंकि देखो मंत्री जी आपके कायपाट पर आपके सम्मुख आकर बैठ गए, हास्य तो कुछ सुनाएं ही, उसके अलावा जो उनका मन हो कोई एक अच्छा सा गीत भी जरूर सुनाएं। मैं उन्हें इन चार पंक्तियों के साथ सुनाना चाहता हूं कि मैंने देखे हैं तेरे यार पुराने वाले, मैंने देखे हैं तेरे यार पुराने वाले, हाथ मलते हैं तुझे छोड़ कर जाने वाले, कोई लाता ही नहीं तेरे बदन की खुशबू, यानी बेकार हैं सब इत्र बनाने वाले, यानी बेकार हैं सब इत्र बनाने वाले। आदरणीय दीपक शुक्ला जी जो लाफ्टर से हमारे बीच आए हैं बम्बई से, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दीपक शुक्ला धनाधन। आदरणीय भाई साहब रत्नेश जी बैठे हैं, मैं आपको ये गीत समर्पित करता हूं, क्योंकि आपने इतने मन से ये कार्यक्रम कराया है। ये गीत की भूमिका केवल इतनी है कि जहाँ मेरा काम है वहाँ से एक बूढ़ी अम्मा आती है, घिसट घिसट के वो चलती है, उसकी स्थिति इतनी दयनीय है कि किसी को भी देख के उस पर दया आ जाए। मेरे सामने एक आदमी ने उस अम्मा को 20 रुपए के चने लेकर दिए, उस अम्मा ने वो चने लेके उस आदमी के मुंह पर मार दिए, उस आदमी को बड़ा गुस्सा आया साहब, बड़ा गुस्सा आया, गुस्से में कुछ नहीं बोला, चुपचाप वहाँ से चला गया। हम सब ने वो दृश्य देखा, किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे कवि मन में जो बात आई वो इस गीत के माध्यम से आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। एक बार मुझे पुनः अपनी तालियों से आदेशित करें, मैं गीत सुनाता हूँ। उस दिन था 15 अगस्त और हम भी थे दीवानों से, राष्ट्र भावना जाग रही थी देशभक्ति के गानों से। उस दिन था 15 अगस्त और हम भी थे दीवानों से, राष्ट्र भावना जाग रही थी देशभक्ति के गानों से। हो गए सभी खट्टे झंडा दूर गगन में फहराया, सावधान होकर सबने फिर राष्ट्रगान मिलकर गाया, लड्डू खुशियों के बांटे और एक दूजे के गले मिले, ऐसा लगता था गुलशन में रंग बिरंगे फूल खिले। होल तिरंगे को खरीदने की लग गई दुकानों से, राष्ट्र भावना जाग रही थी देशभक्ति के गानों से। तभी अचानक मन ये भटका किसी वेदना के स्वर से, ध्यान गया मैंने देखा एक बूढ़ी भोजन को तरसे, मैं कुचली दीन दशा थी चेहरे से मुरझाई थी, ऐसा लगता था जैसे कुछ कहने मुझसे आई थी, बैठे बैठे घिसट रही थी उसको मुझ पर, मुझको उस पर आई दया, हाथों में जितने लड्डू थे लेकर उसके पास गया। अम्मा ये लड्डू खा लो तुम भूखी कई जमानों से, राष्ट्र भावना जाग रही थी देशभक्ति के गानों से। मेरा ये उपकार देख कर उसने ताना मुझे कसा, लगता है 15 अगस्त का चढ़ा हुआ है तुझे नशा, खाई मिठाई ध्वज लहराया जनगण मन का गान किया, करती हूँ मैं नमन आपको बहुत बड़ा एहसान किया, क्रोधित होकर वो बोली तू ऐसे ढोंग दिखाना रे, उसने लेकर लड्डू मुझसे मेरे मुंह पर दे मारे, देशभक्त क्यों सिद्ध स्वयं को करता व्यर्थ बहानों से, राष्ट्र भावना जागी केवल देशभक्ति के गानों से। उत्सव ये स्वाधीन दिवस का केवल एक छलावा है, कैसी ये आजादी पाई जीवन भर पछतावा है, ये आजादी इंसानों में मजहब
रब की दीवार बनी, ये आजादी खून बहाती आतंकी हथियार बनी, ये आजादी नारी की लुटती असमत से रोती है, ये आजादी फुटपाथों पे भूखी नंगी सोती है, ये आजादी ग्रसित हुई है सत्ता के शैतानों से, राष्ट्र भावना जागी केवल देश भक्ति के गानों से, ये आजादी पूज रही है पाखंडी बदमाशों को, ये आजादी देख रही है भक्ति भरे तमाशों को, ये आजादी हक चाहे पर फर्ज निभाना जाने ना, ये आजादी सभ्यताओं को अपनी ही पहचाने ना, उसने मुझे झिझोड़ा बोली उत्तर दे क्यों मौन है तू, मैंने केवल ये पूछा इतना बतला दे कौन है तू, हम पर वार किया क्यों तूने घायल करते तानों से, राष्ट्र भावना जाग रही थी देशभक्ति के गानों से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर क्या होता है सुनिएगा, चीर दिया बिजली ने सीना घिरती हुई घटाओं का, जैसे कोई महल गिरा हो बुढ़िया की आशाओं का, हाय कलेजा छलनी करके मेरा परिचय मांग रहा, एक अभागन के रिश्ते को सूली पर क्यों टांग रहा, तू मुझको पहचान ही लेगा इस भ्रम को ही तोड़ दिया, तूने मेरी भावनाओं को ठोकर खाने छोड़ दिया, कैसे कहूं वेदना अपनी तुम जैसे नादानों से, राष्ट्र भावना जागी केवल देश भक्ति के गानों से, कहते कहते बूढ़ी माँ का गला अचानक भर आया, आंखों से जलधारा बहती दुख से चेहरा मुरझाया, वो बोली के तेरी तरह कोई मुझे ना पहचाना, मेरे मन की करुण वेदना कोई अभी तक ना जाना, खोई हुई उम्मीद हूँ तेरी मैं तेरी लाचारी हूँ, जिसको भारत माँ कहता वो भारत माँ दुखियारी हूँ, आज व्यथित मैं बहुत हो चुकी अपनी ही संतानों से, राष्ट्र भावना जागी केवल देश भक्ति के गानों से, मेरे मन की चोट किसी को कभी नहीं दी दिखलाई, दर्द सहन जब नहीं हुआ तो तेरे पास चली आई, सुना है तू कवि है कविता मैं सच कहने से नहीं डरा, मेरी भी पीड़ाओं को जाकर लोगों से बोल जरा, कह दे उनसे भारत माँ का तुमने कर्ज चुकाया ना, ओ कलयुग के श्रवण तुम्हें कर्तव्य निभाना आया ना, तुमने केवल निष्ठा रखी हमने केवल निष्ठा रखी तुम जैसे नादानों से, तुमने केवल निष्ठा रखी अपने ही अरमानों से, राष्ट्र भावना जागी केवल देश भक्ति के गानों से। और मित्रों अंतिम पंक्तियां कहकर अपना स्थान लेता हूं। अब अगर आपको लगे कि हाथरस के इन श्रोताओं में मैंने कोई पंक्ति ऐसी पढ़ दी हो जो आप अपने घर ले जा सकते हो, तो मुझे बताना कि आपने मुझे कैसे सुना, मुझे बताइएगा कि आपने मुझे किस तरह सुना, मेरी पंक्तियों को कैसे सुना। भारत माता सामने मेरे लाचारों सी लगती थी, सोने की चिड़िया ही किस्मत के मारों सी लगती थी, मुंह को आए कलेजा मेरा केवल उसे निहारूं मैं, भूल हो गई क्षमा करो माँ कहकर यही पुकारूं मैं, आज वचन देता हूँ तुझको निष्ठावान बनूंगा मैं, दोष किसी को ना देकर पहले खुद को बदलूंगा मैं, राष्ट्र भावना अब निकलेगी मन के रोशन दानों से, नहीं सहारा ये मांगेगी देश भक्ति के गानों से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत।